अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल मुकद्दस सहरेज जीवीएस। देखें, आज हम अपने किचन में एक लेकर आए हैं बड़ा प्यारा सा ड्रिंक, और ये गर्मी के लिए बहुत अच्छा है, गर्मी का दुश्मन है, समझ रहे हैं आप। ये बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बहुत ज़्यादा होता है। तो वीएस से ये हम गुड़ का बनाएंगे शरबत, और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हमारा बनेगा, और फ्लेवर तो कुछ ना पूछें, बहुत ही ज़्यादा होगा, और सेहत के लिए, गर्मी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है वीएस। तो ये देख लें, सिंपल से हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, तकरीबन 500 ग्राम के करीब। ये देख लें, ये गुड़ है, आप शक्कर ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, और इसी के साथ देख लें एक प्याली ये तुख मलंगा है, चिया सीड्स इसको बोलते हैं, या तुख मलंगा बोलते हैं इसको नाम में उर्दू में। और ये बीस ये देख लें, 4 से 5 टेबल स्पून के करीब ये हमारा खोपरा है, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लें, अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर दें। ये देख लें, 1 टीस्पून के करीब हमारी ये सौंफ है, और इसी के साथ व्यूज़ ये देख लें, 1 कप के करीब हमारी ये मलाई है, 1/2 लीटर आपने मिल्क ले लेना है, 1/2 लीटर के करीब आपने मिल्क ले लेना है, तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो ब्लेंडर में डालते हैं और इसको ग्राइंड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं इसमें ये देखिए जग के अंदर ये डाल दूँगी, गुड़ डाल दूँगी इसके अंदर, आप शक्कर भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून के करीब इसमें सौंफ चल जाएगी, और 1 कप के करीब इसमें मैं मलाई ऐड कर दूँगी, तो खोपरा ऐड कर देंगे, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। और ये देख लें व्यूअर्स, इसमें मैं मिल्क ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा इसमें मैं वाटर ऐड कर लूँगी, और इसको सिंपली ग्राइंड कर लूँगी। तुख मलंगा आपने अभी नहीं डालनी, अगर आप डाल देंगे तो वो उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। जी व्यूअर्स देख लें, ये माशाल्लाह से ग्राइंड हो गया, अब इसमें मैं ये देखें तुख मलंगा ऐड कर दूँगी, 1 प्याली के करीब मैंने इसको भिगो दिया था, बहुत अच्छा होता है ये सेहत के लिए, इसकी फादियत बहुत ज़्यादा होती है। और इसकी थोड़ी सी मिक्सिंग कर लेंगे, ग्राइंड में अगर मैं डाल देती इसको मैं, तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाता, वो लेस लेस सा हो जाता पूरा ये हमारा शरबत। तो आपने इस तरह नहीं करना, आपने जब ये ग्राइंड अच्छी तरह कर लेना फिर आपने ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जीवीएस देखें माशाल्लाह से, अब हम इसे ये देखें गिलास में डाल देंगे, बहुत ही माशाल्लाह टेस्टी से ये हमारा ड्रिंक बनता है, तो आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके ऊपर थोड़ा सा ये गार्निशिंग के लिए देखें मैं खोपरा, पिसा हुआ खोपरा ऐड कर दूँगी, ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, इन्जॉय कीजिएगा। इसी के साथ दें मुझे इजाज़त, रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, ज़िंदगी रही सांस होने की वफा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। Thank you.